हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल्स। मैं विनीत, मैं आज लेकर के आया हूँ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, उसका वर्क, फंक्शंस, डिविजन्स, ओके, रोल्स, ये सारी चीज़ें हम सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये किस जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो CSO जो है आपका NSO के अंतर्गत आता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है ये आपका NSSO और CSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इन दोनों को मर्ज करके आपका 2019 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। और NSO जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग, इसके अंतर्गत काम करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के बारे में। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की अगर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाए, उससे पहले हम देख लेते हैं कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कहाँ इसका हेड ऑफिस है और इसको कौन हेड करता है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात की जाए तो बिफोर मर्जिंग विथ NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, उसके पहले ये जो है एक अलग बॉडी थी। ठीक, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर था वो क्या था आपका, 2 मई 1951, जो है 2 मई 1951 को ये इस्टेब्लिश हुआ। अगर हेड ऑफिस की बात की जाए तो नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है विच इज, और अगर इसके जो है ऑफिस बियरर्स की बात की जाए तो ऑफिस बियरर्स में आपके डायरेक्टर जनरल एक होते हैं, तीन, जो कि तीन एडिशनल डायरेक्टर जनरल इनको असिस्ट करते हैं विद 4 डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल, देन देर आर ज्वाइंट डायरेक्टर्स एंड अदर सपोर्टिंग ऑफिशियल्स। तो ये जो था ऑफिस बियरर थे आपके सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के। तो आइए देखते हैं CSO के रोल्स एंड फंक्शंस। तो CSO के रोल्स और फंक्शंस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो CSO है, इसका काम है कोऑर्डिनेट द स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज। ओके, कोऑर्डिनेट द स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज इन कंट्री, मतलब कि अपने देश में जो भी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज हो रही हैं नेशनल लेवल पे, उसको कोऑर्डिनेट करना एंड इवॉल्व एंड मेंटेन स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स। जो भी स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड होंगे, क्या स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड होंगे स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन के, उसको बनाने के, ओके, प्रोड्यूस करने के, तो ये जो है किसका काम है, जो सारे स्टैंडर्ड्स को बनाना या तय करना, ये CSO का, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का वर्क है। ओके फ्रेंड्स, फिर अगर आगे देखा जाए तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। जो भी नेशनल अकाउंट्स हैं, जैसे अगर अकाउंटिंग की बात की जाए तो बिजनेस में जो है अकाउंटिंग में जो बिजनेसमैन होते हैं, चाहे बिजनेस में जो है कंपनीज होती हैं, वो अपना बैलेंस शीट, PL, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब वगैरह प्रिपेयर करवाती हैं। तो इससे क्या होता है, बिजनेस का पोजीशन, प्रॉफिट लॉस वगैरह, ये सारी चीज़ें पता चलती है। उसी तरह से जो है कंट्री में आपका CSO जो क्या करता है, नेशनल अकाउंट्स, जो भी कंट्री वाइज एक्सपेंडिचर हैं, एसेट्स हैं, ठीक, इनकम जो है हो रही है, गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, उससे रिलेटेड चीज़ें, इनका स्टैटिस्टिक्स जो है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स का कंपाइलेशन करके जो है इसको रखा जाता है या फिर गवर्नमेंट को फिर और दिया जाता है। ओके, ये CSO का वर्क है। फिर अगर आगे देखा जाए एट द स्टेट लेवल, तो न सिर्फ नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट बॉडीज होती है, स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमी एंड स्टेट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जो स्टेट बॉडीज होती हैं इनके थ्रू जो है CSO इनको कोऑर्डिनेट करती है। और इनका काम क्या होता है कि कंपाइलिंग देयर स्टैटिक डोमेस्टिक स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और उन अदर एग्रीगेट जो है इनको जो है कंपाइल करना, ठीक, थ्रू विच, थ्रू वेयर, थ्रू स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक्स, इनके थ्रू जो है ये क्या करते हैं CSO जो है कंपाइल करता है इन डाटाज को स्टेट लेवल पे। फिर अगर देखा जाए आगे तो इट प्लेज एन एडवाइजरी रोल इन स्टैटिस्टिकल मैटर। एडवाइजरी रोल मीन्स एडवाइज करना इन स्टैटिस्टिकल मैटर्स, जो भी स्टैटिस्टिकल मैटर होते हैं
ठीक है, जो भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कलेक्शन और या गवर्नमेंट को जो भी अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड उससे, ठीक, उसमें अगर एडवाइस की ज़रूरत पड़े, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो फिर नेशनल लेवल पे हो, तो इसका एडवाइजरी रोल CSO एक प्ले करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका CSO का एक ओवरव्यू। फिर आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं CSO में डिविजन्स भी हैं, अलग अलग डिविजन्स हैं जो CSO के वर्क, जो भी मैंने आपको बताया, जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक, उनके लिए अलग अलग डिविजन्स क्रिएट किए गए हैं। तो अगर डिविजन्स की बात की जाए CSO के, तो इसके जो है 5 डिविजन्स हैं। 5 डिविजन्स में आपका अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो आपका पहला डिवीजन है नेशनल अकाउंट्स डिवीजन, जो है क्या है, नेशनल अकाउंट्स डिवीजन, जिसको NAD भी बोला जाता है, ठीक। फिर है आपका सोशल स्टैटिस्टिक्स, सोशल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी जो है वर्क होता है, तो सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन उसके लिए है आपका, इसको बोलते हैं SSD फ्रेंड्स। फिर है आपका अगर थर्ड देखा जाए तो थर्ड, तीसरा डिवीजन तो ये है आपका इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, इकोनॉमी से जो भी रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर करना होता है, बाकी चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक, तो वो क्या देखता है, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ESD, अगर शॉर्ट में लिया जाए तो ये इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक डिवीजन है, ESD है, ठीक। अगर फिर फोर्थ जो डिवीजन की बात की जाए इसकी, तो वह है आपका ट्रेनिंग डिवीजन। ट्रेनिंग डिवीजन जो है, जो भी ISS ऑफिसर्स होते हैं उनसे ट्रेनिंग, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन में CSO NSSO उनके ट्रेनिंग देखना, तो ये ट्रेनिंग डिवीजन का काम होता है। फिर आगे देखा जाए अगर फिफ्थ है, तो जो भी एबव जो है आपका NAD है, SSD है, ESD है, ट्रेनिंग डिवीजन है, इन सारे, इन सब के वर्क्स को कोऑर्डिनेट करना और जो भी वर्क करते हैं उसको पब्लिश करना, ये आपका फिफ्थ जो डिवीजन है CSO का, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन, इसका वर्क है। ओके फ्रेंड्स, इसको बोल देंगे CPD, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये था डिवीजन ऑफ CSO, अलग अलग डिवीजन्स। तो फिर आइए देखते हैं आगे जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इनके बारे में, क्या ये जो है अलग अलग डिवीजन्स जो है वर्क परफॉर्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। तो अगर पहले डिवीजन की बात की जाए नेशनल अकाउंट्स डिवीजन, तो नेशनल अकाउंट डिवीजन जो है आपका, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर बात करें, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपका, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स। ओके, नेशनल अकाउंट से क्या इंक्लूड है आपका, GDP, ठीक, जो भी आपके वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स हैं या फिर सर्विसेज हैं इस देश में प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक, उनसे जो भी उसका वैल्यू है वो GDP है आपका, ठीक। फिर है आपका गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल जो भी देश में लोग सिटीजन्स कंज्यूम कर रहे हैं, उनका फाइनल कंजप्शन या फिर उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर कह दें, ठीक है, वो उसका डाटा कलेक्ट करना, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना, ठीक। फिर है आपका फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अदर मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, फिर जो है जो भी देश में एसेट्स बन रहे हैं, ठीक, उनका फॉर्मेशन हो गया आपका, ठीक, वो कैपिटल में आ गया आपका। फिर अदर मैक्रो, उससे फिर अदर जो है इकोनॉमिक रिलेटेड है, नेशनल लेवल पे जो है इकोनॉमिक से रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, फैक्टर्स हैं, उनका जो है उनको लिया जाता है इसमें NAD में, नेशनल अकाउंट डिवीजन में। फिर फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो डिवीजन ब्रिंग्स, दिस डिवीजन ब्रिंग्स अबाउट एन एनुअल पब्लिकेशन, ये डिवीजन जो है एक एनुअल पब्लिकेशन ले आता है जिसको बोलते हैं नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक कंटेंस स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू नेशनल अकाउंट्स, जो भी नेशनल अकाउंट्स जो है आपका उसका प्रिपरेशन स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक, उसको उसका एक एप्लीकेशन निकाला जाता है सा कंपाइल करके, उसको बोलते हैं नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, ठीक। तो ये जो है कुछ जो है नेशनल अकाउंट्स के वर्क्स एंड फंक्शंस हैं फ्रेंड्स। फिर आगे देखते हैं, नेशनल अकाउंट डिवीजन से रिलेटेड कुछ और भी फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ क्वार्टरली इस्टीमेट्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट एंड कॉन्स्टेंट प्राइजेस, क्वार्टरली इस्टीमेट निकालना, ठीक है, क्वार्टर मीन्स हर 3 मंथ में, ठीक है, हर 3 मंथ में एक इस्टीमेट निकालना, किससे रिलेटेड, GDP से रिलेटेड एट करेंट एंड कॉन्स्टेंट प्राइजेस, ठीक। फिर है आपका इस्टीमेशन करना,
किसका, कैपिटल स्टॉक का, एंड कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल से क्या अर्थ है, तो जो भी एसेट्स हैं उनका डिप्रिसिएशन जो है, जो भी हो रहा है, वियर एंड टीयर लॉसेज जो हो रहे हैं, ठीक है, एसेट्स जो भी देश में है, ओके, उनका इस्टीमेशन करना, जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड और चीज़ों से रिलेटेड, फिर कैपिटल स्ट्रक, इन सब का इस्टीमेशन करना। फिर है आपका इस्टीमेशन ऑफ स्टेट वाइज ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। उसी तरह से जैसे जो है, जैसे नेशनल लेवल पे कैपिटल स्टॉक का इस्टीमेशन किया जाता है, या फिर जो है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड जो है कैपिटल एसेट्स का जो है इस्टीमेशन किया जाता है, उसी तरह स्टेट वाइज भी जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस वैल्यू फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का जो है इस्टीमेशन किया जाता है। ठीक, तो अलग अलग सेक्टर्स में, ऑफ सुप्रा रीजनल सेक्टर्स ऑफ रेलवे, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर पूरा इसको पढ़ें हम, तो इस्टीमेशन ऑफ स्टेट वाइज ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड ग्रॉस वैल्यू फिक्स्ड, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ सुप्रा रीजनल सेक्टर ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो सुप्रा रीजनल से अगर हम क्या समझते हैं, सुप्रा रीजनल सेक्टर्स में ये सारे सेक्टर्स हैं, तो अगर देखा जाए जो रेलवेज है, कम्युनिकेशन है, चाहे बैंकिंग है या फिर इंश्योरेंस है, ये सारे जो सेक्टर्स हैं आपके, ये सिर्फ एक स्टेट तक सीमित नहीं है, ये आपके पूरे देश में फैले हुए हैं, इनका वर्क जो है पूरे देश में, रेलवे जो है पूरे देश में है। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट है तो वहीं पे रेलवे काम कर रही है और उसी के अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। उसी तरह कम्युनिकेशन है, आपका बैंकिंग है, ठीक, फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी अलग अलग जो बॉडीज़ हैं, जो है एजेंसीज हैं जो पूरे देश में काम करती हैं। तो ये जो सारे सेक्टर हैं इसको सुपरा रीजनल सेक्टर कहते हैं। अगर जो भी सेक्टर्स पूरे देश में काम करते हैं, ना कि स्टेट स्टेट सिर्फ एक स्टेट में काम ना करके, उसको सुपरा रीजनल सेक्टर्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इनका एस्टिमेशन करना, इनका ग्रॉस वैल्यू और जो है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का जो है एस्टिमेशन करना। फिर आपका इसका वर्क अगर देखें, तो इनपुट आउटपुट ट्रांजेक्शन टेबल बनाना। इनपुट आउटपुट ट्रांजेक्शन टेबल से हम क्या समझते हैं, तो अगर बात की जाए कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स, ठीक है, तो जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, सेल और परचेज के लिए, वो जो है इनपुट आउटपुट ट्रांजेक्शन के थ्रू जो है इस्टीमेट किया जाता है, इसको जो है जो है आपका रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये आपका, ये भी आपका एनएडी का काम है, नेशनल अकाउंट डिवीजन का काम है। फिर आपका प्रिपरेशन ऑफ कंपेरेबल एस्टिमेट्स ऑफ स्टैटिक स्टेट डोमेस्टिक, सॉरी नॉट स्टैटिक, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी स्टेट डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, एसडीपी है, जैसे जीडीपी है नेशनल लेवल पे, जो है वैल्यूज जो है आपका सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उनकी वैल्यू को नेशनल स्तर पे जीडीपी के थ्रू देखा जाता है। उसी तरह जो है स्टेट जो भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी वैल्यू जो है एसडीपी के थ्रू आपका प्रिपेयर जो है निकाला जाता है। तो उसका जो है अलग अलग कंपेयर, एक इस्टीमेट जो है कंपेरेबल इस्टीमेट प्रिपेयर करना, ये भी किसका काम है, नेशनल अकाउंट्स डिवीजन का वर्क है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो थे कुछ नेशनल अकाउंट डिवीजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ और फंक्शंस हमने देखा। फिर आगे देखते हैं, आगे जो है सेकेंड अगर डिवीजन की बात की जाए सीएसओ के, तो उसका नाम है सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, एसएसडी। इस डिवीजन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसका काम है स्टैटिस्टिकल मॉनिटरिंग। स्टैटिस्टिकल मॉनिटरिंग किस चीज़ का, जैसे कि मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स हो गया, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग हो गई, ठीक, फिर ग्रांट इन एड फॉर रिसर्च प्रोवाइड करना, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, इन ऑफिशियल या फिर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, जो भी स्टैटिस्टिशियन का वर्क है नेशनल लेवल पे या फिर जो है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए उनको जो है अवार्ड्स जो है देना, ठीक, ये भी जो है आपका सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन का एक वर्क है। ठीक, बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर लोकल डेवलपमेंट, BSLLD पायलट स्कीम, टाइम यूज सर्वे, रिलीज ऑफ रेगुलर एंड एडहॉक स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन। ठीक है, तो अगर देखें इसका मॉनिटरिंग करना, स्टैटिस्टिकल मॉनिटरिंग करना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से अगर देखें तो हम क्या समझते हैं,
तो ये जो है डेवलपमेंटल गोल है जो कि एक यूएन के द्वारा जो है निकाला गया, मतलब कि टारगेटेड गोल है, टाइम बाउंड टारगेटेड गोल है ये। ये जो है यूएन की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, ठीक, ये जो है इसको निकालती है प्रोग्राम, और इसकी मॉनिटरिंग करना कहाँ तक जो है देश में क्या प्रोग्रेस है, स्टैटिस्टिक्स, इसके रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स को जो है निकालना, ये आपका एसएसडी का वर्क है। फिर आपका जो है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी जो है इकोनॉमिक वैल्यू है इसकी इन्वायरमेंट की, उसको जो है आपका मॉनिटर करना, ठीक। फिर एड प्रोवाइड करना, एड प्रोवाइड करना फॉर सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप रिलेटेड टू इन द फील्ड ऑफ ऑफिशियल एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इन फील्ड्स में जो भी वर्कशॉप हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक, इंस्टीट्यूशंस में, नेशनल लेवल पे हो चाहे फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो, उसको जो है फंड करना, ये जो है आपका सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन का वर्क है। फिर है आपका, मैंने बताया, स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिशियन को बढ़ावा देने के लिए, उनको उनके काम के लिए प्रोत्साहन देने के लिए जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड जो है दिए जाते हैं, ठीक। फिर नेशनल डाटा बैंक, नेशनल डाटा बैंक जो है बनाना सोशियो रिलीजियस ऑन सोशियो रिलीजियस कैटेगरी। अगर नेशनल डाटा बैंक की बात की जाए सोशियो रिलीजियस कैटेगरीज की, तो जो भी जैसे हम देखते हैं कि हमारा देश जो है अगर रिलीजियस वाइज बहुत ही डाइवर्स है, लगभग हमारे देश में हर रिलीजन के लोग हैं, तो उसका एक डाटा बैंक बनाना कि कितने लोग जो है, कितनी पॉपुलेशन हमारी, कौन सी रिलीजन जो है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कौन कौन से रिलीजियस को जो है फॉलो करती है, ओके, उनसे रिलेटेड, फिर उनका जो है सोशल स्टेटस क्या है, अलग अलग जैसे कि अलग अलग धर्मों में जो है लोगों का जो है उनका सोशल स्टेटस, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज, ओके, तो उनका जो है इनकम वाइज उनका स्टेटस क्या है, इकोनॉमी वाइज, तो इसका एक नेशनल डाटा बैंक तैयार करना, ये भी सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन का काम है। फिर बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर लोकल डेवलपमेंट, एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स होता है जो को लोकल जो है अगर कहा जाए तो विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो है उस स्टैटिस्टिक्स का जो है एक पायलट स्कीम जो है रन करती है गवर्नमेंट जो है एसएसडी, ठीक, तो उसको जो है रन करना, उसका मॉनिटरिंग करना। फिर टाइम यूज सर्वे कराना, रिलीज ऑफ रेगुलर एंड एडहॉक स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन, ठीक है, रेगुलर और एडहॉक पब्लिकेशन स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन जो है रिलीज करना, मीन्स परमा जो है कुछ रेगुलर्स होते हैं, कुछ जो है किसी टाइम फ्रेम में अगर उनकी ज़रूरत महसूस होती है पब्लिकेशंस की तो उनको जो है रिलीज करवाना। तो ये जो है आपका सोशल स्टैटिस्टिक डिवीजन के फंक्शंस थे, रोल्स थे, ओके फ्रेंड्स। फिर आगे अगर देखा जाए सीएसओ का जो थर्ड आपका डिवीजन है, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक डिवीजन, ठीक, अगर इस डिवीजन की बात की जाए तो दिस डिवीजन कंडक्ट्स इकोनॉमिक सेंससेस। ये डिवीजन क्या करता है, इकोनॉमिक सेंसस को कंडक्ट कराता है। क्या कराता है, इकोनॉमिक सेंसस को कंडक्ट कराता है। इकोनॉमिक सेंसस से मींस जो भी आपका जो है इकोनॉमिक, जैसे जो फाइनेंशियल आप कह सकते हैं स्टेटस है लोगों का, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है सेंसस जो है करवाना, ये जो है आपका इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स डिवीजन का काम है, ठीक। कंपाइल्स ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये जो है ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल आईआईपी इसको बोलते हैं, इसको जो है कंपाइल कराना, ठीक है। अब जो भी इंडस्ट्रीज आईआईपी से, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहे हैं, ओके, जो भी इंडस्ट्री सेक्टर में अलग अलग सेक्टर्स में जो है ग्रोथ है, ठीक है, जैसे कि उनका चेंजेस है या फिर ग्रोथ है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, माइनिंग सेक्टर एक्सेट्रा, तो इनको देखना, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो है सेंसस करवाना, ठीक। फिर जो है आपका डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशंस लाइक नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड उनका क्लासिफिकेशन कराना, नेशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, नेशनल प्रोडक्ट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड जो है क्लासिफिकेशन जो है उनको कराना, ये इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक डिविजन्स का वर्क है, रोल है, ठीक है। फिर आगे अगर देखा जाए फ्रेंड, तो आगे जो चौथा डिवीजन है इसका आपका सीएसओ का, तो चौथा डिवीजन आपका दिस डिवीजन, अगर इसको देखें हम तो दिस डिवीजन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेनिंग ऑफ
मैन पावर इन थियोरिटिकल एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये जो डिवीजन है आपका फ्रेंड्स, ठीक है, इसका प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेनिंग कराना है जो भी मैन पावर या फिर जो भी जो है ऑफिसर्स हैं सी एस ओ में, एन एस एस ओ में, अलग अलग जो है डिपार्टमेंट में, उनसे रिलेटेड उनको ट्रेनिंग कराना। ठीक है, टू टैकल द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ डेटा कलेक्शन, कलेक्ट एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन रिक्वायर्ड फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि जो मैन पावर ट्रेनिंग होती है इनकी कराते हैं अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में और थ्योरेटिकल दोनों में कराया जाता है। क्यों? ताकि जो भी इमर्जिंग चैलेंजेस आ रही हैं स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, डाटा कलेक्शन से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड, डिसेमिनेशन, ओके, कम्युनिकेशन ऑफ डाटा, उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं या फिर चैलेंजेस आ रही हैं, फेस कर रहे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग देना, ये जो है ट्रेनिंग डिवीजन का वर्क है। फॉर एविडेंस बेस्ड क्यों? ताकि जो है जो ये ऑफिसर्स हैं ये एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर सकें, और साथ ही साथ प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन, ठीक है, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। तो ये जो है ट्रेनिंग डिवीजन का काम है। फिर आगे अगर फ्रेंड्स देखते हैं हम, तो द डिवीजन ऑल्सो लुक्स आफ्टर नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी। ये जो डिवीजन है ये NSSTA जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ट्रेनिंग एकेडमी है इसको भी देखता है। ठीक है, फिर विच इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉस्टरिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। NSSTA ये जो हमारे देश में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो है ये एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, इसमें ये जो है एक जो है इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है इसमें ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में, जो कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये एकेडमी है। ओके फ्रेंड्स, एज वेल एज एट इंटरनेशनल लेवल, ना ही नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है आपका ये ट्रेनिंग देता है, पर्टिकुलरली अमंग डेवलपिंग एंड सार कंट्रीज। अगर बात किया इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी सार्क कंट्रीज हैं, ठीक है, नेपाल, भूटान, ठीक, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे जो है रिलेटेड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो ये जो सार्क कंट्रीज हैं इनके जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं, उनका मैन पावर है, उनको भी ट्रेनिंग जो है ये ट्रेनिंग डिवीजन NSSTA के थ्रू देती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है ट्रेनिंग डिवीजन था CSO का। फिर आइए जो आपका लास्ट डिवीजन है CSO का, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का, वो क्या है? कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन। तो कोऑर्डिनेशन और पब्लिकेशन डिवीजन की बात की जाए, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको पहले शुरुआत में जब डिवीजन्स बता रहा था CSO के, कि जो एवं जो चार डिवीजन्स हैं, ठीक है, उन चारों डिवीजन्स का कोऑर्डिनेशन, ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कराना, उनके वर्क का कोऑर्डिनेशन कराना, और अलग अलग पब्लिकेशन निकालना, और भी जो है बॉडीज हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड उनका कोऑर्डिनेशन देखना, इस डिवीजन का काम है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में और। द डिवीजन्स लुक आफ्टर कोऑर्डिनेशन वर्क विद इन CSO, ठीक है, CSO के अंतर्गत, जैसे मैंने बताया आपको कोऑर्डिनेशन अलग अलग डिवीजन का, तो वही चीज़ है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क विद इन CSO एज वेल एज विद द लाइन मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट यूटी यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट्स इन स्टैटिस्टिकल मैटर्स। ठीक है, तो जो भी स्टैटिस्टिकल मैटर्स हैं, स्टैटिस्टिकल जो है सब्जेक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो है इशूज़ हैं, जो भी, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कराना। ठीक है, कैसे? मिनिस्ट्रीज जो है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक, या फिर जो है स्टेट और यूटीज की बॉडीज हैं या मिनिस्ट्रीज हैं, उनके अलग अलग फंक्शन, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, हर मिनिस्ट्री में लगभग जो है उनका स्टैटिस्टिक्स अपना एक डिवीजन होता है, और यूटीज में भी जो है, यूटीज में, स्टेट में भी जो है जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनका भी अपना स्टैटिस्टिकल डिवीजन होता है,
तो उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है बनाए रखना, ये किसका काम है, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन, CAP, कैप बोल सकते हैं, इसका जो है काम है। फिर ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कॉक्सो। तो कॉन्फ्रेंस जो है सेंट्रल और स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का, इनका कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराना, एंड स्टैटिस्टिक्स डे को ऑर्गेनाइज कराना। स्टैटिस्टिक्स डे आप सभी जानते होंगे 29 जून को मनाया जाता है अपने देश में, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है। हमारे देश के ग्रेट स्टैटिस्टिशियन PC महलानोबिस, उनके जन्मदिन के अवसर पे स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है हर साल, तो इसको भी ऑर्गेनाइज करवाना हर साल। ये किसका काम है, CAP, कोऑर्डिनेशन और पब्लिकेशन डिवीजन का ये वर्क है। इट आल्सो प्रिपेयर्स रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट, ओके, सिटीजन्स क्लाइंट चार्टर, एनुअल एक्शन प्लान, आउटकम बजट, एनुअल प्लान ऑफ मिनिस्ट्रीज। तो जो भी मिनिस्ट्रीज के एनुअल प्लान होते हैं, आउटकम बजट होते हैं, या फिर एक्शन प्लान है, जो कि आप कह सकते हैं लगभग 1 पीरियड का, 1 ईयर का आपका एक्शन प्लान होता है, ये भी जो है मिनिस्ट्रीज का, इसको प्रिपेयर कराना, ये भी जो है कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन का वर्क है। फिर आपका आगे बात की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम, ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम एंड सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग, ओके, सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कराना, ठीक है। कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम एंड स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग स्कीम, जो कि फुल्ली तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड होता है ये स्कीम, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कराना भी इस डिवीजन का वर्क है। एम डेट इम्प्रूविंग द स्टैटिस्टिकल कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट स्टैटिस्टिकल सिस्टम, ओके। इसका एम क्या है इस स्कीम का, इसका स्कीम ये है, इसका एम ये है कि जो भी स्टैटिस्टिकल कैपेसिटी है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफ स्टेट्स, ठीक है, उनको इम्प्रूव कराना, ठीक, किस लिए, फॉर व्हाट, फॉर कलेक्टिंग कंपाइलिंग डिसेमिनेटिंग रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, रिलायबल ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को जो है कलेक्ट करना, कंपाइल करना, डिसेमिनेट करना, ठीक है, डिसेमिनेट मीन्स और उसको जो है कम्युनिकेट करना, ठीक है, और रिलेवेंट रिलायबल सोर्सेज थ्रू, तो ये जो है इसका एक एम है इस स्कीम का। अगर देखा जाए तो ये पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इसका यूसेज जो है स्टेट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट क्या है, तो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे भी जो है उसको कैसे इसका यूज किया जाए, इन डाटास का जो कलेक्ट होते हैं तो इसको प्रमोट करना, ये भी जो है कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन का वर्क है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स जो है डिवीजन्स थे अलग अलग CSO के, उनके वर्क थे। तो हमने जो है सारे डिवीजन्स देख लिए, उनके वर्क देख लिए, रोल्स एंड फंक्शंस देख लिए। तो फ्रेंड्स ये था CSO आपका, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसके रोल्स एंड फंक्शंस। आज हमने इस टॉपिक के बारे में एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया, होप आप सबको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सेशन में, और अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो ये जो CSO है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, तो इससे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हैं और आगे भी आने की संभावना है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम से कम इसी सेक्शन से जो है लगभग 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो एकदम जो है श्योर टू श्योर आएंगे एग्जाम में, ओके फ्रेंड्स। तो ये जो है आज का सेक्शन था, लेक्चर था, और इसके बाद फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।